देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा साक्षी रामलीला मैदान से साक्षी गोल चक्कर तक देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा निकालकर साक्षी गोल चक्कर पर उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। शव यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के सचिव राजा सिंह राजपूत कर रहे थे। शव यात्रा के माध्यम से उन्होंने देश की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पार्टी के जिले के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पूरे देश में महिला उत्पीड़न बढ़ चुका है। केंद्र सरकार द्वारा रोजगार का वादा किया गया था, लेकिन आज तक युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। वहीं सड़क निर्माण में करोड़ों का घोटाला केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका विरोध जताते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा रामलीला मैदान से साक्षी गोल चक्कर तक देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की शव यात्रा निकालकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज जो 9 साल वो लोग बेमिसाल कहते हैं, वो 9 साल में देश की जनता त्रस्त है, मगर अमित शाह और मोदी मस्त है अपने दोस्त अडानी और अंबानी के साथ। इन 9 साल में हर एक पायदान में मोदी सरकार फेल रही है, चाहे नारी सुरक्षा हो, युवाओं का रोजगार हो, या किसान की आय दुगनी करने के हो। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, 2 करोड़ रोजगार का वायदा उन्होंने किया था। महिला सुरक्षा आप त्रिपुरा में देख ही सकते हैं। किसान का रोजगार बोला था आय दुगनी होगी, देख ही सकते किसान आंदोलन में हमारे 700 किसान भाई शहीद हुए। इसी सब के विरोध में हम सभी ने रामलीला मैदान से नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का शव यात्रा निकाला, जिसका समापन हम लोगों ने साक्षी गोल चक्कर में आके किया। आज ये देश में जो तानाशाह सरकार चल रही है, हम सभी कांग्रेसजन उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी सदन से लेकर सड़क तक इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी कांग्रेसियों का यह फर्ज है कि देश की जनता आज मुसीबत में है, हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।